दोस्तों अभी हमको एक सूचना मिली कॉल पे और एक शाम को देखा गया है तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है तो सामान पड़ा है तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक मशीन सी पड़ी हुई है उसके नीचे एक सांप को देखा गया है अभी थोड़ी देर पहले। तो हम लोग जाकर देखते हैं पहले कौन सा सांप मिलता है या कौन सा नहीं मिलता या मिलता भी है या नहीं मिलता। तो वीडियो में जो है बने रही है नहीं गुड़ी ना हेजा खाली तरी गेले नहीं कुछ इतना संगत नहीं गर्दी करू ना सांगा त्यांना गर्दी करू नका अजिबात भैया 2 मिनट करो 2 मिनट को तो दोस्तों हमारा जो सामना हुआ है ये रैट स्नेक से हुआ जिसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जहर नहीं होता लेकिन ये काटता बहुत जोर से और उसकी जो बाइट होती है इसका काटने का तरीका काफी पावरफुल है तो इसको पकड़ने की कोशिश करना नहीं है क्योंकि सांप कोई भी होगा काटता काफी जोर से। इसके लिए मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया और काफी ताकत लगा रहा है काफी बड़ा सांप है। कैसे काट रहे हो ये गर्दन फुला रहा है ऐसा इसका मतलब ये इशारा है अपने को कि अभी ये काटने वाला है। इतना देर रहता नहीं क्या देर नहीं रहता देर नहीं रहता लेकिन काटता बहुत डेंजर डेंजर काटते हैं। गाड़ी के लिए
झालं ना कुठं बसलं होतं रोडवर हे कमसे कम 7.5 फूट के ऊपर बड़ा यार ये दामन वादी नहीं आता घर में भी आता है जब नर और मादी होगा तो बच्चे होंगे ना खाली मादी रहेगा तो बच्चे कैसे होंगे ऐसा भी रहता क्या जैसा इंसान रहता है आदमी औरत रहता है वैसा सांप रहता है उसमें मेल रहता है फीमेल रहता है नाग रहते नागिन रहती है अब ये जो पकड़ा है ये जो ये मेल है मेल यानी नर नर है इसका नाम रहता है धामन लोग इसको अपने इधर धामिन धामिन कर रहे धामिन नाम नहीं रहता धामन रहता है धामन में नर और मादा रहता है तो दोस्तों आपने देखा कि एक शख्स ने मुझे कॉल किया था और मैं भी कहीं बाहर था और ये जो सांप जो अभी हमने रेस्क्यू किया है रेड स्नेक धामन जिसके अंदर जहर नहीं है और ये रोड क्रॉस कर लोगों के सामने रोड क्रॉस किया और एक जगह पे वहाँ पे जाकर छुप गया तो लोगों का जो डर होता है सांप से जुड़ा तो जाहिर है वो डर तो जो है उनका बना रहेगा तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं मौके पर वहाँ पर 5 मिनट में पहुँचा और जाके वहाँ पर ढूंढा तो बड़े साइज का रेड स्नेक मिला तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी नदी के किनारे पे हम लोग आए और नदी के किनारे इसको तुरंत हम यहाँ पे आके इसको तुरंत इसको रिलीज करेंगे हमने अपने 5 मिनट भी हमारे पास रखा नहीं इसको क्योंकि सांप को हमको रखना नहीं है हमारा काम है उसको पकड़ना और उसको तुरंत उसको जो है नेचर में रिलीज करना तो आपके सामने भी इसको मैं छोड़ता हूँ ताकि वो खा पी सके घूम फिर सके तो आप देख सकते हो वो जाने के लिए कितना बेकरार है बहुत ही शानदार रिलीज किया